कच्छ जिले में गूंजता एक सुंदर इतरा नाम माता जोग मैया तुझे करूं पहला प्रणाम। हे किम चोग गाइस, नाम तो आपने सुना ही है, मैं हूँ शिवानी। वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले ब्लॉग में मैं आपको लेके गई थी इतरा की दशा माता मंदिर, तो आज मैं आपको फिर से लेके आई हूँ मेरे प्यारे नेत्रा में। तो अब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को लगता होगा ये नेत्रा कहाँ है, तो आइए जानते हैं। कच्छ जिले में आने वाली एक नखत्राणा तहसील के मत्थल गांव से 4 किलोमीटर की दूरी के अंतर पर एक फाटक है, वहीं से 11 किलोमीटर की दूरी पर आता है मेरा प्यारा गांव माता जी का नेत्रा। तो आइए अब जानते हैं कि इसका नाम नेत्रा कैसे पड़ा। काफी कंफ्यूजन है कि नेत्रा क्या होता है। तो इस गांव में एक नील तालाब हुआ करता था जिसके नाम से नेत्रा नाम पड़ा। हमारे बाकी भाई बंधु की दृष्टिकोण से देखा जाए तो नेत्रा नाम यहाँ पे ट्रेडिशनल कास्ट है रबारी, जिनके निशाने हुआ करते थे। निशाना मतलब गुजराती में झोपड़े, तो इस झोपड़े हुआ करते थे, इसकी वजह से इसका नाम नेत्रा पड़ा। पहले तो मैंने नेत्रा के इतिहास के बारे में आपको बताया, अब मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे जो मंदिर है उसके बारे में, जिसके लिए मैं आपको यहाँ तक लेके आई हूँ। पहले मुझे भी इसकी स्टोरी नहीं पता थी, लेकिन मैंने मंदिर में ही कुछ लोगों से पूछा तो उन्होंने मुझे स्टोरी बताई। महिषा अंकल थे, महिषा असुर, राम नाम अर्थ वेद एन केन प्रकारी जैसी तपस्या करके भगवान से बहुत सारे पावर लिए थे। फिर क्या था, वही होना था जो हमेशा से ही होता है, भगवान के पावर, भगवान को ही भारी पड़े। महिषासुर अंकल तो थे टेररिस्ट, आतंकवादी, पूरी जगह आतंक फैला के रखा हुआ था। फिर देवताओं को जाना पड़ा माँ जी के पास, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप जाइए हेड ऑफिस में माँ भगवती के पास में। सारी देवता गए माता जी के पास में और उन्होंने बताया कि एक महिषासुर नामक आतंकवादी ने पूरे विश्व में आतंक फैला के रखा है। तो फिर माता जी ने कहा कि आप लोग टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, एक मिनट में इसका हिसाब क्लियर कर देंगे। फिर उन्होंने महिषासुर को समझाया, लेकिन वो नहीं समझा। अब तो आई इसकी बारी। महिषासुर अंकल आगे आगे और माता जी पीछे पीछे। अभी मैया तिथि बड़े गुस्से में, महिषासुर अंकल को तो छुपना पड़ा। तो कहा जाता है कि यहाँ पे जो नील तालाब है वहाँ पे सूक्ष्म रूप में महिषासुर अंकल बहुत छोटे से बनके छुप गए थे डर के। माता जी ने कहा कि अब ढूंढना तो इसको पड़ेगा ही, क्योंकि इसने बहुत परेशान करके रखा है लोगों को। तो जहाँ पे जोग माता का मंदिर है तो वहीं पर माता जी ने तपस्या की। तपस्या मतलब 6 महीने तक योग धारण किया। योग का मतलब होता है यहाँ पे कच्ची भाषा में ध्यान करना। वहाँ पे फिर माता रानी का नया नामकरण हुआ योग मैया, जोग मैया जो कि कहा जाता है, के नाम से फिर यहाँ पे मंदिर बना। तो फिर आगे की स्टोरी ये है कि फिर माता जी ने अपने ट्रैकर से महिषासुर अंकल को पकड़ ही लिया। अब कहाँ जाओगे भैया, वाके मतलब 6 महीने तक उन्होंने इसी को ढूंढा था। अंकल का आया आखिरी टाइम महिषासुर अंकल का, तो उन्होंने सोचा कि भगवान से कुछ मांगा जाए। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने प्राण तभी छोड़ूंगा जब आप मुझे एक वरदान देंगी। तो माता जी बोले चलो ये भी पूरा कर देते हैं, तो क्या मांगते हो? तो उन्होंने कहा कि मुझे आप ऐसा वरदान दीजिए कि जहाँ पे आप मेरा वध कर रही है वहाँ पे मेरे शरीर की धरा माटी आपकी आरती में धूप बन के यूज़ की जाए। बड़े यूनिक थे महिषासुर अंकल भी, मरने के बाद भी कुछ ना कुछ मांग के गए ही। तो इसीलिए यहाँ से बड़ी दूरी पर आशापुरी माता का मंदिर है, जिसको कच्छ में माता का मढ़ नाम से माना जाता है। तो ये इसीलिए आशापुरी नाम से फेमस हुई क्योंकि इन्होंने देवों के साथ साथ में महिषासुर जैसे असुरों की भी आखिरी इच्छा पूरी की थी, तो इसीलिए माता जी का नाम आशापुरी पड़ा। कहा जाता है कि माता जी अपने होने का हर बार आभास कराती है। एक बार बहुत तेज तूफान आने वाला था और मंदिर में 1 घंटा जो कंटिन्यू बज रहा था, तब एक महर्षि ने कहा कि आप 9 चंडी यज्ञ करवाइए, इस चंडी यज्ञ से ये घंट खुद ही शांत हो जाएगा। सभी नेत्रावासियों ने उनकी बात को सुन के माँ चंडी यज्ञ करवाया, उसके बाद में घंट खुद ही शांत हो गया। और ये घंट इसीलिए बज रहा था, कहा जाता है कि नेत्रा में बहुत तेज बारिश और तूफान आने वाली थी। तो ये बारिश हुई, लेकिन बहुत तेज बिजली भी गिरी, लेकिन सिर्फ मंदिर पर नेत्रा में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ था और आजू बाजू लोगों में बहुत सारी क्षति हुई थी। बात करते हैं हम 2001 की, तो 2001 में लोगों ने ये चीज़ें देखी थी कि
भूकंप आया हुआ था कच्छ में, इतना बड़ा भूकंप कि आप कभी नेट पे सर्च करके भी देख सकते हैं। लेकिन इस मंदिर में, पूरे गांव में किसी को कुछ भी नहीं हुआ था, और ये मंदिर की पूरी इमारतें, मतलब पूरी दीवारें झरझर हो गई थी। जब भी संकट का समय था नेत्रावासियों के लिए, माँ ने हमेशा बॉडीगार्ड बनके इनकी रक्षा की है। इसीलिए नेत्रावासियों का बहुत ही इस मंदिर के लिए अपार प्रेम है। तो इसीलिए हर महीने की अष्टमी को ये लोग सेलिब्रेट करते हैं, मार्केट बंद होते हैं और घर में ही लोग माँ प्रसाद बना के मंदिर जाते हैं। तो हर महीने की अष्टमी को ये सेलिब्रेट किया जाता है। माता रानी शुक्ल पक्ष की अष्टमी को प्रकट हुई थी, तो इसीलिए यहाँ पे शुक्ल पक्ष की अष्टमी को बड़े ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। उस दिन मंदिर के बाहर भव्य रूप से शोभा यात्रा निकाली जाती है, और महाप्रसादी में तो होता है भंडारा, तो वो भी होता है ज़रूरी आवश्यक रूप से। और उसके बाद में शाम को, भाई गुजरातियों का शहर हो और गरबा ना हो तो कंटिन्यू शाम को फिर यहाँ पे सेलिब्रेट करके गरबा किया जाता है। और वो ढोले रमवा जाऊ छे, मतलब कि यहाँ पे ढोल पर ताल मिलाया जाता है। तो हमारे यहाँ पहले ढोल हुआ करते थे, जब लोगों के टाइम में म्यूज़िक नहीं हुआ करते थे तब ढोल हुआ करते थे। तो लोग अभी भी ट्यूनिंग में यहाँ पे यही यूज़ होता है कि ढोले रमवा जाऊ छे। सबसे ज़रूरी बात पता है यहाँ पे क्या है कि देवी मैया के दो कंधे, जो ऑटोमेटिकली एक बढ़ रहा है और एक उतना का उतना ही है। वो कहा जाता है कि जितना जितना कलयुग बढ़ रहा है उस हिसाब से माता जी का एक कंधा बढ़ रहा है। तो इसीलिए वहाँ पे मंदिर का रेनोवेशन भी बार बार करवाना पड़ता है, और ये तो मैंने खुद देखा है। मैंने कहा ये क्या चमत्कार है। पता है सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, यहाँ के जितने भी दरवाजे होते हैं वो इतने पुराने ट्रेडिशनल होते हैं कि आप उनके झरोके देखो, इनके दरवाजे देखो, ऐसा लगता है किसी पुराने वर्ल्ड में आ गए, पुराने ज़माने में। जो मोहन जोदड़ो वाला सीन नहीं होता है, वो क्रिएशन होता है दिमाग में। अब तो चलो नए बन रहे हैं तो बात अलग है। अब मैं आपको ये माता रानी के दर्शन करा रही हूँ, माँ आशापुरी नेत्रा के, जो वहीं पे विराजी हैं। लेकिन ये वो वाला मंदिर नहीं है, बट यहाँ पे भी माता जी आई थी, तो इसकी स्टोरी मैं नहीं जान पाई थी तो अभी बता भी नहीं पाऊँगी, लेकिन नेक्स्ट टाइम ज़रूर बताऊँगी। और ये है यहाँ के ट्रेडिशनल लोग, जो क्योंकि शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि जो एक रबारी कास्ट होती, जो ट्रेडिशनल ड्रेस पर होती, हमेशा यही है ट्रेडिशनल, यहीं का जो ये वर्क कपड़े देख रहे हैं बस, और यही बनाती सारी औरतें मिलकर। इनका पूरा ग्रुप है जो कि फॉरेन में भी डील करता है, और ये और वर्क फ्रॉम होम करती हैं। ये देख के मैंने एक चीज़ सीखी कि आपके अंदर हुनर की ज़रूरत होनी चाहिए और कुछ कर दिखाने का जज्बा। ये हुनर कभी भी किसी छोटी बड़ी जगह का मोहताज नहीं होता, कुछ कर दिखाने का जज्बा ही आपको आगे लेके जाता है। ये थी नेत्रा की स्टोरी, जहाँ माता जी साक्षात स्वयं विराजी हैं। ये हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से, चलती हूँ, बाय बाय। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, बने रहिए मेरे साथ दिल से।